अस्सलाम वालेकुम, रोज़े और हम अज़र की स्केचबुक। Realme, आज की वीडियो मेरे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है क्योंकि Realme has sent me this amazing new smartphone, Realme 6 Pro. 90 Hz ultra smooth display, 64 megapixels AI quad camera, dual in display selfie, ultra nightscape mode for night photography, और Snapdragon 720G octa core processor, making it the best gaming smartphone. And the best feature I like about this device is its super attractive lightning design. So thank you Realme for being among the ones who dare to leap. हाँ बेटा, जरा देखो कितना टाइम रह गया अफ्तारी में। बस होने वाला है टाइम, मेरे ख्याल से 5 मिनट रह गए। अरे अरे अब्बू, भाई निकाल रहा है आवाज। दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को दिल की गहराइयों से रमजान मुबारक। मेरे ख्याल से जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक आधे से ज्यादा रमजान तो गुजर ही चुका होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबके रोजे खैरियत से गुजर रहे होंगे। गो के इस साल का रमजान लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता सालों के रमजान से काफी मुख्तलिफ है। ये वीडियो मैं इसी उम्मीद से रमजान पर बना रहा हूँ की लॉकडाउन और घरबंदी के सबब आप में से जो लोग मायूसी का शिकार हो गए हैं उनकी जिंदगी में वक्ती ही सही कुछ मिजाज पैदा हो जाए। ये लॉकडाउन वक्ती है और इंशाल्लाह अगले साल का रमजान गुज़िश्ता सालों के रमजान जैसा ही होगा। वो रमजान जिसके मिजाहिया पहलू का जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे, यानी मेल जोल और रौनकों वाला रमजान। लास्ट ओवर। ओ बस यार, मैं जा रहा हूं कार, सैरी का सामान भी लाना है। ओ बस यार, लास्ट बॉल करा दे। ए फड़े नु करा बॉल यार, मैं जा रहा हूं। अम्मी, ओ अम्मी, उठ जा, सैरी लेट हो रही है। हां उठ गई, उठ गई। कहां से आ गया? नहीं वो तो अभी तक नहीं आया। किस कतर रवारा लड़का, इससे अंडे दही मंगवाए थे। चले आप तो उठे ना, कबाब और पराठे तले, मैं चाय बना देती हूँ। वैसे तो बहुत ही रेयर है कि आजकल के बच्चे और नौजवान सहरी से पहले सो रहे हो, लेकिन अगर कोई सो रहा हो तो उसे उठाते वक्त एक ही पुराना तरीका इस्तेमाल किया जाता है। उठ जाओ, सहरी का टाइम हो गया है, सिर्फ 5 मिनट रह गए सहरी में। उठ जाओ, उठो, रोजा नहीं रखना क्या? हाँ उठो, लाइट ऑफ करो यार, सिर्फ 5 मिनट रह गए, क्या हो गया? उठो, झूठ ना बोलो, 50 मिनट रहते हैं, जाओ यहाँ से। लाइट ऑफ करो और पंखा चलाओ। भाई मामा, आसिफ तो नहीं उठ रहा। रहने दो बेटा, मैं उसे खुद उठा लेती हूँ। मैं आसिम को उठा दूँ? उसको ना उठाओ बेटा, उसका कल पेपर है। सहरी की टेबल पे आपको दो मूड के एक्सट्रीम्स मिलेंगे। जो सो कर उठा है वो सख्त सड़ी अल मिजाज में जिंदगी से बेजार शक्ल बनाकर बैठा होगा, और वो जो सारी रात जागा है वो फुल चार्ज होकर बैठा होगा। अम्मी आप भी आ जाए। तुम लोग शुरू करो बेटा, मैं चाय बना के आ रही हूँ। तुमने उठकर पेस्ट किया? यार दिमाग ना खाओ मेरा। मामा इसने पेस्ट ही नहीं किया, सीधा आगे बैठ गया। बेटा उठो, जाकर पेस्ट करो। ये क्या बात हुई, उसी तरह सीधे बिस्तर से उठकर आ गए। भाई क्या है? मामा बिल्कुल खाया नहीं जा रहा। सेहत देखो तुम अपनी, अगर पराठा खत्म ना किया तो कल मैं रोजा नहीं रखने दूंगी तुम्हें, अभी बता रही हूँ। मामा मैंने भी रोजा रखना है अगले साल से। बेटा अभी आप छोटे हो। आप हर साल यही कहती हैं कि अगले साल रखना, पिछले साल भी यही कहा था। अच्छा रख लो, लेकिन 12 बजे तो मैं इफ्तार करवा दूंगी मैं। ये कौन सा रोजा होता है? बेटा ये चिड़ी रोजा होता है, अच्छे बच्चे चिड़ी रोजा रखते हैं। हाँ फिर सारे दोस्त मजाक उड़ाएंगे मेरा। बेटा आपने रोजा रखना है, दिखावा करना है। ओहो बेटा, ये चाय ठंडी हो गई मेरी, जरा गरम कर दे थोड़ी। ये साथ में मेरी भी गरम कर दे बेटा। मेरी भी। अच्छा क्या मतलब? नहीं नहीं, मैं तो ऐसी बस स्क्रिप्ट में लिखा था। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? पानी पी रहा हूँ। मुझे सारे पे क्यों नहीं उठाया? बेटा कल पेपर है तुम्हारा, तुम रोजा नहीं रख सकते। ये क्या बात हुई, आप हमेशा मेरा रोजा छुड़वा देती हैं। अब मैं भी फिर अट पैरा रोजा रखूंगा। कोई जरूरत नहीं, तुमने बीमार होना है। अच्छा है ना, जब बेहोश हूँगा तभी आप कल से फिर सहरी में उठाएंगी। नमाज पढ़ के सोना। हाँ ठीक है, लाइट ऑफ करो, अभी तक अजान नहीं हुई। मुझे पता है तुम जानबूझ के गलती से सो जाओगे और नमाज नहीं पढ़ोगे। हम में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने गोया पूरी दुनिया के रोजे बचाने का जिम्मा लिया होता है। तुम्हारा रोजा नहीं है क्या? हाँ है ना। तो गाने क्यों सुन रहे हो? रोजा टूट जाता है भाई। तो यार गाने नहीं सुन रहा, वीडियो देख रहा हूँ। नमाज पढ़ी है? हाँ हाँ चवल इंसान पढ़ी है, दिमाग ना खाओ मेरा। जाओ पानी पी लो, रोजा टूट गया तुम्हारा। क्यों? ऊंची आवाज में गुस्से से बात की है भी तुमने मुझसे। यार दिमाग ना खा, चल निकल निकल यहाँ से। अच्छा अच्छा मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा वैसे मोबाइल तो चेक कराओ, सबको दिखाया तुमने मोबाइल लेकिन मुझे नहीं दिखाया जब से आया। ये लो यार। ये Realme 6 Pro है? हाँ। वाह यार, मेरा ख्याल था तूने पुराना मॉडल लिया है। मैंने सुना था ये एक घंटे में चार्ज हो जाता है। हाँ बिल्कुल ठीक सुना था। कैमरा कितना मेगापिक्सल है? 64। और तेरी की दीवार पार देखता है क्या? और इसमें डुअल इन डिस्प्ले सेल्फी फीचर भी है ना? हाँ हाँ। मैं गुस्सा क्यों हो रहा है, रोजा टूट जाएगा तेरा। वैसे इसकी साउंड क्वालिटी भी बड़ी फिट है, Dolby Atmos हाई रेजोल्यूशन है, चेक करो। वाह यार, हैवी
जाओ कुछ खा लो। क्यों? तुमने ही कहा था गाने सुनने से रोजा टूट जाता है। सही, कंफ्यूज रूटीन तो उन लोग की होती है जिनका रोजा नहीं होता। खाने पीने की दुकानें सारे दिन वैसे बंद और बाकी रोजेदारों की जजमेंट की वजह से वैसे ही नहीं खा पाते। एक और कैरेक्टर भी जरूर नजर आएगा। कोई रोजा है? हाँ है। कोई कशिफ तेरा रोजा है? हाँ यार है। कोई शरफ तेरा रोजा है? तूने अफतारी पे बुलाना? नहीं। तो कहीं बाहर से अफतारी करा रहा है? नहीं भाई। तो क्यों पूछ रहा है? वैसे ही पूछ रहा था यार। जा यार काम कर अपना। हाय दबीर, क्या मजौरों की तरह सो रहे? उठ नमाज पढ़ जाके, जुहर का टाइम निकले जा रहे हैं, अब निकल भी चुको बिस्तर से। हमें क्या पंचायत है? अरे क्या भंडा अभी तक जुहर का टाइम हुआ है? हाय हाय, रोजा रखा है, फाके काट रहे। उठ जा, असर की नमाज भी निकले जा रही है। उठ रहा हूँ। दिलवर आगे मेरे साथ थोड़ी मदद कर ले बावर्ची खाने में, इफ्तार होने वाली, सुबह से अकेले लगी हूँ, कुछ तो शर्म कर ले। अबे ऐसा सुबह से तू क्या कर रही है जो अभी तक काम नहीं हुआ तुझसे? सीधा सीधा कह दे, तुझे रोजे में मेरा सुकून राश नहीं आ रहा। आए हाय मुंह बंद रख अपना, ज्यादा बहस ना कर, आगे शरबत बना। बहुत बदलिहाज खातून है, लहजे की तहजीब तो आपको छू के नहीं गुजरती। अरे फी बेटा, ये जरा चख के बता, नमक कम तो नहीं है पकौड़े में? नहीं अम्मी बिल्कुल ठीक है। बड़ी भी चीनी कहाँ छुपा रखी है तूने? अमेरिका से आएगा? मुझे क्या पता होगा चीनी का, व्हाट्सएप से फुर्सत मिले तो पता होगा ना तुझे। अच्छा अच्छा, ज्यादा बहस नहीं कर, चीनी का डिब्बा दे। ये लो, और थोड़ा उधर होकर खड़े हो, गर्मी से दम घुट रहा है मेरा। रोजे में बड़ी भी तेरे अखलाक को क्या नजर लग जाती है? हाय हाय, फालतू बातों से गुरेज कर, रोजा लग रहा है तुझे? अरे क्या पागल वागल तू नहीं हो गई है? रोजा तुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है। बस ठीक है, पकौड़े फिर मैं छोड़ देती हूँ तलना, इन्हें भी तू खुद ही तल ले। हाँ छोड़ दे छोड़ दे, अल्लाह मेरी तौबा, तुझसे अच्छे पकौड़े तो हमसाए वाली खाल्ला बना लेती है। हाय हाय, क्या मतलब? आप सब समझ आ गया, व्हाट्सएप पे तू किससे लगा रहता है? अरे अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि करियाने की दुकान जो बेसन अच्छा नहीं आ रहा। हाँ हाँ सब समझती हूँ मैं, तेरी बातें सारी समझ रही हूँ मैं, इस कदर तू ना शुक्रा इंसान है सब। अम्मी अब्बू ने किस बात का शोर शराबा मचा रखा है? कुछ नहीं, अम्मी अब्बू को रोजा लग रहा है। चल इफ्तारी का टाइम हो जाए तो उठा देना। रमजान में ऑफिस में भी अजीब सोने वाला माहौल होता है, आधे लोग टेबल्स के ऊपर नीचे सोते मिलेंगे और आधे सीजन और मूवीज देखते मिलेंगे। एक और बात बड़ी लेजेंड है, एक बार इफ्तारी में पकौड़ा और शरबत की आदत हो जाए ना, तो फिर इन आइटम्स के बगैर इफ्तारी में गुजारा मुश्किल हो जाता है। देखते बेटा सर इफ्तारी में कितना टाइम रहेगा। अभी मेरे ख्याल से 10 मिनट है। बेटा जाओ जरा भाई को भी उठा दो और एक गिलासों में शरबत डाल दो। शाबाश। ये अजानों की आवाज तो आ रही है मेरे ख्याल से। टीवी लगाओ जरा, देखो बेटा। अल्लाह। अरे अरे रुको, ये लाहौर की अजान है बेटा। बिल आखिर अजान होती है और लोग अफतारी पर टूट पड़ते हैं। अबे फ्रूट चाट में अनार का दाना कौन डालता है? हाँ ठीक है, कल से तुम बना लेना फिर। अम्मी प्याज वाला पकोड़ा दे दे। प्याज वाले खत्म हो गए, आलू वाले खाओ। अच्छा अपनी प्लेट में देखो, मैं नहीं दूंगी। हर घर में अफ्तार के टाइम पे एक बंदा तो ऐसा जरूर मिलेगा जो अपनी प्लेट से ज्यादा दूसरों की प्लेट से खा रहा हो। अम्मी शरबत दे दे। अरे पहले रोजेदारों को लेने दो बेटा। अच्छा था रोजा रख ही लेता, एक तो सारा दिन भूखा भी रहो, सहरी भी नहीं की, अब इफ्तार में भी अछूत महसूस हो रहा है। इफ्तार में प्याज का कुछ ऐसा आलम होता है कि आप ठंडे शरबत की एक सिप लो और अचानक से पूरा ग्लास ही खाली हो जाता है। अभी तो सिर्फ 6 रोजे हुए हैं, अभी 24 और रहते हैं। यार इफ्तारी के बाद रोजे क्यों आना जरूरी है? अच्छा मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे पकौड़े कोई ना खाए। भूल है तेरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अफतारी के बाद चाय की तो अपनी ही चस है। ओए होए होए होए, मैं कहता हूँ जिंदगी का स्वाद आ जाता है। शबाना जी, चाय 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 चाय। जाते जाते मेरी बस यही दुआ है कि हमारे वो दोस्त जो हमें अफतारियों पर नहीं बुलाते उन सबको हिदायत नसीब हो। मेरे ख्याल से ये वीडियो अब काफी लंबी हो चुकी है। डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी ऑन पेट्रियन, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए शहरों को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। बेटा कल से तुम रोजा नहीं रखोगे। क्यों मामा? तुम्हारे रोजे नहीं फाके होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कमेंट, अल्लाह हाफिज़। भी जरूर मिलेंगे।